नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बन्नास फटाफट कुकिंग शो में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स गुजिया। ड्राई फ्रूट्स गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मैदा, देसी घी, चीनी, ये पिसी हुई चीनी है, बादाम, पिस्ता, काजू और थोड़ा सा चिरौंजी। गुजिया बनाने के लिए हम लोग एक बाउल में मैदा लेते हैं और उसमें डालते हैं देसी घी थोड़ा मोयन के लिए। इससे पहले 2 टेबल स्पून डाल करके देखेंगे मिला करके, अगर ये सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और हम लोग थोड़ा सा इसमें डालेंगे देसी घी। इसको इस तरह से देखेंगे, ये देखिए अच्छे से इसे हम बांध पा रहे हैं अपने मुट्ठी में, तो इस तरह से इसे हम बांध कर चेक कर लेंगे। अगर ये अच्छे से बंधा जा रहा है इसका मतलब हमारे आटे में सही तरीके से घी पड़ा है। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम गूंधेंगे। इसे अच्छी तरह से हम लोग गूंध लेंगे। अब 15 मिनट्स के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए, तब तक हम लोग इसकी चाशनी बनाते हैं। इस कटोरी से हम लोग 2 कटोरी चीनी इसमें डालेंगे, 1/2 कटोरी पानी डालेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। जब तक चाशनी बनता है आइए हम लोग ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। पॉट में डालते हैं हम लोग काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, इन सबको हमें दरदरा पीसना है। ये चाशनी हमारा बन गया है, फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स को हमने दरदरा पीस लिया था मिक्सी में और इसमें हम लोग डालते हैं पिसी हुई चीनी 2 टीस्पून भरकर डालेंगे। मिनट्स हो गए हैं, हमारा मैदा भी बिल्कुल सेट हो चुका है। इसे एक बार और अच्छी तरह से गूंध लेंगे, इस तरह से इसे मिला देंगे। और इसकी छोटी लोई बना लेते हैं। इसे पूरी शेप में बेल लेंगे। इस तरह से सभी लोई को हम लोग बेल लेंगे। इस तरह से सभी पूरी को हमने बेल लिया है। इसमें हम इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड किया था उसको इसमें हम लोग इसके स्टफिंग को थोड़े से डालेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। पानी डालना ज़रूरी है जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए और फ्राई करते समय
बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा इसका कोई भी जो स्टफिंग हमने डाला है। और इसको इस तरह से हमें बनाना है, ये देखिए इस तरह से करना है। गुजिया को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। अभी तीज का त्यौहार है, एक दो दिन में तो लोग घर में बनाएंगे। बहुत लोग इसे पिड़किया भी बोलते हैं। ये देखिए एक और बनाते हैं हम लोग, स्टफिंग ले लेते हैं थोड़ा सा और इसके चारों तरफ थोड़ा पानी लगा देते हैं। इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे, अच्छी तरह से चिपका देंगे इसे। और फिर इस तरह से हमें फोल्ड करना है, इस तरह से एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, बहुत आसानी से फोल्ड होता चलेगा। वैसे इसको बनाने के लिए गुजिया की एक छोटी सी मशीन भी आती है, उसमें भी डालकर इसे इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। इस तरह से सारी गुजिया को हमने ड्राई फ्रूट्स में स्टफ कर दिया है और अब इसे आइए फ्राई करते हैं। इसे लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं। हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है, आप वेजिटेबल ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। इससे थोड़ा हमें पेशेंसली फ्राई करना होगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे ये फ्राई होगा। जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा इसे हम लोग फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए गुजिया हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। एक मिनट के लिए थोड़ा फ्लेम को हाई करती हूँ। इसे लो फ्लेम पर फ्राई करने में कम से कम 15 मिनट्स लगेगा। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम लोग चाशनी जो बनाए थे उसमें इसको डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसे चाशनी में डुबो देंगे और 5 मिनट्स के लिए इसे इसी में छोड़ेंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं, आइए इसे एक प्लेट में निकालते हैं। ये मार्केट जैसा गुजिया बनकर के रेडी है। मार्केट जैसा गुजिया बनकर बिल्कुल रेडी है। इस तीज पर इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये आज का रेसिपी पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।